Hello friends, welcome to my channel Sanchita Craft Shop. If you are an English viewer, then please read the subtitles because rest of the video will be in Hindi. Namaste dosto, swagat hai aapka mere channel mein jiska naam hai Sanchita Craft Shop. Namaste dosto, aaj ka topic hai handmade canvas under rupees 50. आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपने चैनल में 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं. थैंक यू वेरी मच. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे वीडियो से इंस्पायर होकर और अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके कुछ बनाया है. तो ये सी थीम फोटो फ्रेम मेरी सब्सक्राइबर शंकुलिता पाल दे और उनकी 6 साल की बेटी ओशनी दे ने साथ में मिलकर बनाया है. शंकुलिता, आपका फोटो फ्रेम बहुत ज्यादा प्यारा बना है. थैंक यू आपकी फोटोज मेरे साथ शेयर करने के लिए. तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरा सी थीम फोटो फ्रेम वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक यहाँ ऊपर दे दिया है, आप प्लीज वीडियो चेक कर लीजिए. दूसरी सब्सक्राइबर है अनुरूपा महतो जी. उन्होंने ये बहुत खूबसूरत से कुछ डूडल आर्ट्स बनाए हैं. अनुरूपा जी, आपका काम बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनी है. तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरा स्ट्रेस रिलीफ पेंटिंग वाला वीडियो मिस कर दिया है जिसमें मैंने मंडाला आर्ट और डूडल आर्ट बनाया था, तो मैंने लिंक यहाँ ऊपर दे दिया है, आप प्लीज चेक कर लीजिए. तो आज बहुत सारी बातें हो गई, चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो आज हम बनाएंगे हैंडमेड कैनवस. अक्सर पेंटिंग बनाने के लिए हम मार्केट से कैनवस खरीदते हैं, लेकिन अगर हम बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते हैं या पेंटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी कैनवसेस खरीदते हैं तो वो थोड़ा सा बजट को बढ़ा देता है. 10x12 साइज का कैनवस नॉर्मली 80 रुपीज से 150 रुपीज तक की रेंज में मिलता है, उसकी क्वालिटी और ब्रांड के हिसाब से. अगर कभी हम कुछ नया ट्राई करने की सोचते हैं जैसे मिक्स मीडिया आर्ट या क्ले म्यूरल पेंटिंग, तो डरते हैं कि अगर अच्छा नहीं बना तो ये कॉस्टली कैनवस वेस्ट हो जाएगा. तो क्यों ना इन कैनवसेस को घर पे ही बना लें और वो भी 50 रुपए से भी कम की कीमत में. इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ 3 चीजें. पहला, एक बेस. इसके लिए हम लेंगे एक पुरानी डायरी या नोटबुक. एक्चुअली हमें ये हार्ड कवर चाहिए बेस बनाने के लिए. दूसरा, हमें चाहिए बोक्रम शीट. ये किसी भी टेलर की दुकान में या जहां सुई धागा या बटन वगैरह मिलती हैं वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा. टेलर्स इसे कपड़े के किसी एरिया को स्टिफ करने के लिए यानी कि कड़ा बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि शर्ट्स के कॉलर, फॉर्मल पैंट्स के बेल्ट एरिया, सलवार या पजामे की मोहरी. और तीसरी जो चीज चाहिए वो है फेविकॉल, जिसके बिना कोई काम होता ही नहीं है. ये बेस को बोक्रम के साथ जोड़ेगा. सबसे पहले हम पुरानी डायरी से एक कवर निकालेंगे, उसे बोक्रम शीट पर रख कर मार्किंग करेंगे. चारों तरफ से 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हुए लाइन खींच लेंगे. अब बोक्रम को मार्किंग के अकॉर्डिंग काट लेंगे. मैं बेस को एक साइड से काट रही हूँ क्योंकि यहाँ होल्स बने हुए हैं. अब बोक्रम शीट के ऊपर बेस को रखेंगे और कोई एक साइड से अच्छे से बोक्रम को फोल्ड कर लेंगे और एक मार्क बना लेंगे. पेस्टिंग करने के लिए मैंने फेविकॉल को थोड़ा डाइल्यूट कर लिया है. मैंने 1 स्पून फेविकॉल में 1/2 स्पून पानी ऐड करके इससे एक मिक्सचर बना लिया है. अब इसी मिक्सचर से हम बोक्रम को बेस के साथ चिपकाएंगे. तो इस तरह से बेस के बैक साइड पे बोक्रम को चिपका देंगे. कॉर्नर पे बोक्रम को थोड़ा कट कर लेंगे ताकि चिपकाने पर कॉर्नर पे डबल लेयर ना हो जाए, अच्छी फिनिशिंग आनी चाहिए. अब इसे पलट लेंगे. अब फ्रंट साइड पर बेस के ऊपर अच्छे से फेविकॉल का मिक्सचर लगाएंगे और बोक्रम को चिपकाएंगे. अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि कोई एयर बबल्स ना रहें. पूरा बेस एक ही बार में नहीं चिपकाएंगे, थोड़े थोड़े एरिया में फेविकॉल लगाएंगे और बोक्रम को चिपकाएंगे. इस तरह से पूरा फ्रंट साइड चिपका लेंगे. अब बैक की तरफ जो 3 साइड्स बचे हैं उन्हें भी एक एक करके चिपका लेंगे. ये बोक्रम शीट 20 रुपीज मीटर से लेकर 90 रुपीज मीटर तक के प्राइस में आपको मिल जाएंगे.
लेकिन हमें अच्छी क्वालिटी का बोक्रम यूज़ करना चाहिए। मैंने यहाँ पर 70 रुपीज मीटर का बोक्रम यूज़ किया है ताकि हमारा कैनवस जो है वो अच्छा बने। इसके बाद बैक साइड पर हम एक व्हाइट पेपर चिपका सकते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो कैनवस जिस साइज का है उससे थोड़ा सा छोटा पेपर काट लेंगे और बैक साइड पर चिपका देंगे। तो देखिए 70 रुपीज मीटर बुकरम से कम 4 ऐसे कैनवस बोर्ड तो बन ही जाएंगे, तो आप एक कैनवस बोर्ड का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा हैंडमेड कैनवस बिल्कुल रेडी है। मैंने बैक साइड से इसकी फिनिशिंग भी कर दी है और इसका थोड़ा कलर डल लग रहा है मार्केट से खरीदे हुए कैनवस के मुकाबले, क्योंकि जो मैंने बोक्रम खरीदा था वो पूरा प्योर वाइट नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, पेंटिंग करने से पहले अगर वाइट कलर से एक बेस कोट दे देंगे तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो डायरी के कवर से हमने ये कैनवस बोर्ड बनाया है। तो जो डायरी का कवर हमने यूज़ किया है, इसके अलावा हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये माउंट बोर्ड है, ये माउंट बोर्ड मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट करने के लिए लाई हूँ। तो इस तरह के छोटे कैनवस भी हम बना सकते हैं। माउंट बोर्ड काफ़ी हार्ड है तो इससे हम बना सकते हैं। माउंट बोर्ड के अलावा हम कार्डबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लो कॉस्ट और लाइट वेट भी होगा। मैं ऐसे छोटे पीसेस इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इतने छोटे साइज के कैनवस भी मार्केट में खरीदने को मिलते हैं और ये काफी अच्छा और सस्ता ऑप्शन होगा पेंट करके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को गिफ्ट करने का। आप कोई छोटा मोटा वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं अपने लिए। इनके अलावा हम MDF बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये MDF बोर्ड है। मैंने काफी बड़ा एक MDF बोर्ड खरीदा है, कोई पेंटिंग करनी है तो माउंट बोर्ड और MDF दोनों ही पेंटिंग को फ्रेम करने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आप लाइट वेट कोई प्लाईवुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा पेंटिंग प्रैक्टिस करने के लिए या अपनी पेंटिंग्स को और परफेक्शन देने के लिए। आप कई सारे कैनवस बोर्ड्स घर पे ही बना सकते हैं इन बोक्रम शीट्स को यूज करके। महावीर जयंती के अवसर पर मैंने ये बुद्धा जी की पेंटिंग अपने इस हैंडमेड कैनवस पर ही बनाई थी। ये वीडियो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे देती हूँ, आप प्लीज देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये हैंडमेड कैनवस बनाने का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।